हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता और आज लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक नई रेसिपी। आज की रेसिपी हमारी है रेस्टोरेंट वाली पोहा। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में पोहा। और आज के हमारे पोहा की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि जो पोहा हम नॉर्मली अपने घरों में बनाते हैं उस पोहा से इस पोहे का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में पोहा की रेसिपी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और साथ में मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज और लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना रेस्टोरेंट स्टाइल में पोहा बनाना। तो इस पोहा को बनाने के लिए हमने ले लिया है एक छोटा कटोरी हरा मटर, और सेम साइज़ की हम कटोरी में ले लिए हैं एक कटोरी पोहा वाला चूरा। यानी कि हम जितना पोहा यानी कि चूरा लेंगे उतना ही हम हरा मटर भी लेंगे। और एक प्लेट में हमने ले लिया है एक हरा लहसुन और चार हरी मिर्च और थोड़ा सा हमने ले लिया धनिया की पत्तियाँ। अब हम हरा लहसुन, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को हम एकदम बारीक कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, हमने एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़े काट लिए हैं धनिया लहसुन और हरी मिर्च की। तो चलिए अब हम ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में हम डाल लेंगे अपने पोहा वाला चूरा, और उसमें हम डाल लेंगे पानी, और चूरा को हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे, और चूरा से हम अच्छे से पानी निकाल लेंगे, और चूरा को हम एक बाउल में रख लेंगे। और फिर एक छोटी कटोरी में हमने ले लिया है एक मुट्ठी काजू और एक मुट्ठी किशमिश। तो चलिए हमारी फाइनली पोहा बनाने की तैयारी हो चुकी है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस को कर लेते हैं ऑन, और उस पर रख लेंगे एक पैन, और पैन में डाल लेंगे हम छोटा सा बटर का टुकड़ा। और पैन में जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होने लगेगा हम पैन में डाल देंगे अपने काजू किशमिश, और हम बटर में काजू किशमिश को बस आधे मिनट फ्राई करेंगे, और फिर हम बटर से उनको निकाल कर एक कटोरी में रख लेंगे। और फिर इसी बचे हुए बटर की पैन में हम डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, और गैस हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और जीरा के तुरंत बाद हम डाल देंगे कटी हुई लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। हम डाल के आधे मिनट उनको भूनेंगे। हमें लहसुन और हरी मिर्च को गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो हम डाल देंगे उसमें हरा मटर, और मटर को हम एक मिनट भून लेंगे गैस मीडियम फ्लेम करके। और एक मिनट भूनने के बाद हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम नमक एक बार में ही डाल ले रहे हैं पोहा और मटर के हिसाब से। फिर हम डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और हल्दी पाउडर और नमक डालकर हम मटर को एक मिनट पका लेंगे, ताकि हमारा मटर अच्छे से पक जाए। और मटर जब पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला। हमने गरम मसाला एवरेस्ट की डाली है, और इस पोहे में इस गरम मसाले की गजब की टेस्ट आती है। तो चलिए अब हम गरम मसाले को अच्छे से मटर में मिला लेते हैं, और गैस को कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पे, और एक मिनट के लिए हम ढक देंगे। और एक मिनट बाद ये देखिए हमारा मटर गरम मसाला वाला एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेंगे अपने चूड़ा भिगोया हुआ, और ये देखिए हमने पूरा का पूरा चूड़ा डाल दिया। और फिर चूड़े के ऊपर हम डाल लेंगे सीक्रेट ट्विस्ट इस पोहे का। तो इस पोहे में हम डाल लेंगे एक छोटा चम्मच हम पिसा हुआ चीनी। जी हाँ, पिसा हुआ चीनी डाल लिए हैं हम इस पोहे में, और हमने नमक भी डाला है स्वाद अनुसार। तो अब हम अच्छे से चीनी और चूड़ा को मटर में मिक्स कर लेंगे, और हम जैसे जैसे चूड़ा को मिक्स करते जा रहे हैं मटर में, वैसे वैसे चूड़ा नमक और हल्दी गर्म मसाले का कलर ले लिया है। तो चलिए हमने अच्छे से पोहा तो मिक्स कर लिया है, अब ऊपर से हम डाल लेंगे फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश, और अच्छे से हम पोहा में मिला लेंगे।
गैस हमारा एकदम लो फ्लेम पे है और अब हम डाल लेंगे पोहे के ऊपर धनिया की पत्तियाँ और अच्छे से हम मिला लेंगे और फिर एक मिनट के लिए फिर से हम पोहा को ढक देंगे। गैस हमारा एकदम लो फ्लेम पे है और लो फ्लेम पे ही हम पोहा को एक मिनट पका लेंगे और ये फाइनली हमारा पोहा तैयार हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए गर्मा गर्म इस पोहे को हम सर्व कर लेते हैं और साथ में टेस्ट भी। तो जब कभी आपको रेस्टोरेंट वाली पोहा खाने का मन करे तो आप इस पोहे को घर पे ही बनाएं और घर पे ही बैठ के अपने परिवार के साथ खाएं। और इस पोहे में बटर और गरम मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि सिर्फ खुशबू से ही आप इस पोहे के पास खींचे चले आओगे। इतना टेस्टी और इतना यम्मी है ये पोहा। आशा करती हूँ मेरा रेसिपी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए और हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।